जब स्वर्ग से आग उतरी, हालात बदल गए, हालात बदल गए, हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी और वो आग आप पर उतरना चाहती है, 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 आग आप पर उतरना चाहती है, वो 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 आग आप पर उतरना चाहती है, आग आप पर उतरना चाहती है, वो आग आप पर उतरना चाहती है, 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 वही आग, वही आग, वह आग आप पर उतरना चाहती है, आप पर उतरना चाहती है। वह आग आप उतरना चाहती है। पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया, उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। हाँ, तो एक जगह की आपको बात बता रहा हूं, वहां पर अकाल भारी था, अकाल भारी था, पंजाबी की हिंदा है काल, हिंदी में अकाल, अकाल पड़ा हुआ था। क्या था? अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अकाल भारी था। आप बस ब्लेसिंग का टाइम है, आशीष का टाइम है, तैयार रहिएगा। बिल्कुल अभी अकाल, अकाल भारी था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, और इतना बड़ा अकाल था कि उसका 5 वचन पढ़िएगा। और अहाब ने अबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके। हाँ, तो जो राजे के घोड़े थे उनके लिए भी घास तक नहीं थी। उसने कहा ओबद्या से, जो उनके घर का इंचार्ज था, मतलब हिंदी में दीवान था, जो उसे कहा, ऐसा करते हैं कि हम देश को बांट लेते हैं, देश के इस हिस्से में तुम ढूंढ घास और देश के इस हिस्से में। राजा कहता, मैं क्या ढूंढूंगा? घास, ताकि जो अपने घोड़े हैं, जो राजा के घोड़े हैं, कम से कम उनके लिए कुछ हो सके। लोग तो बेचारे भूल चुके थे कि कभी सब्जी भी खाई थी, हरी सब्जियां भी कभी खाई थी, फलों को भूल चुके थे कि फल भी खाए थे, क्योंकि अकाल जो था 3.5 साल का काल था, अनाज खत्म हो चुका था, पानी खत्म हो चुका था, लोग पानी को तरसते थे, लोग रोटी को तरसते थे, जो बच्चे पैदा हो रहे थे भूखमरी के वो शिकार थे, जो बच्चे थे दुबले पतले, आप जानते हैं भूखमरी में जो बच्चे पैदा होते हैं, सब काम धंधे बंद थे, लोग जो रोजी रोटी कमाते थे सब कुछ बंद था, पशु मर रहे थे, कुछ अधमरे हो चुके थे, कई बेचारे लोग भूख से मर रहे थे और कोई अधमरे हो चुके थे, भूख से प्यास से मौतें हो रही थी, संकट 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 संकट, क्योंकि संकट भारी था, अकाल भारी था। 6 वचन पढ़िएगा। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। एक तरफ तो राजा गया घास ढूंढने के लिए, एक तरफ उसका दीवान यानी कि जो घर का इंचार्ज था घास ढूंढ रहे। इतना बड़ा दुख लोगों की जिंदगी में आ गया,
इतना बड़ा संकट लोगों के परिवारों में आ गया, शारीरिक संकट आया हुआ है, खाने पीने का संकट आया हुआ है, पैसे ढेले का आर्थिक संकट आया हुआ है, भूखमरी आई है, और जो उस समय लोग थे वो दो विचारों में लटके हुए थे। लोग दो विचारों में लटके हुए थे उस समय। उनका एक देवता था जिसका नाम बाल था। तो लोग दो विचारों में लटके हुए थे, क्या हम यहोवा परमेश्वर की उपासना करें, क्या हम उस समय का जो बाल था देवता उसकी उपासना करें, क्योंकि जो रानी थी वो बाल की पुजारण थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस आसमान को किसने बनाया, स्वर्ग को किसने बनाया, तारागण को किसने बनाया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस पृथ्वी को किसने बनाया। हालेलुया। लोग समझ नहीं पा रहे थे किस धरती को किसने बनाया। वो सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कभी सोचते थे इसने बनाया, यहोवा परमेश्वर ने कभी सोचते नहीं उसने बनाया। दो लटके हुए थे बीच में, और कुछ लोग ऐसे थे कि वो यहोवा परमेश्वर की भी उपासना करते थे और फिर बाल की भी उपासना करते थे, उसकी विधियों में जो विधियां थी उसका भी पालन करते थे, और परमेश्वर की विधियों को तो उन्होंने तोड़ ही डाला था। परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने टाल दिया था और बाल की उपासना करने लगे थे। सृष्टि कर्ता कौन है वो समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि कर्ता कौन है, क्योंकि सृष्टि कर्ता की उपासना करनी है। वो बनाई हुई सृष्टि की उपासना करने लग गए। वो दो विचारों में लटक गए। वो सोचते युवा परमेश्वर जीवित है, फिर सोचते अरे शायद ये भी जीवित हो जिसकी वो दूसरे की उपासना करते थे। एक पैर यहोवा की ओर रखा, परमेश्वर की ओर रखा, एक पैर उसकी ओर रखा जो वहां अशेरा की उन्होंने मूर्ति बनाई थी उसकी ओर। वो लोग वो काम भी कर रहे थे जो परमेश्वर यहोवा भी बोल देते, लेकिन उनके भी वो सब काम करते थे जो उस समय बाल देवता के थे। उनकी पूजा करते, उनके त्योहारों में जाते, उनके त्योहारों में जाकर रसमलाई खाते, जो भी उनके त्योहारों में जाकर उनकी विधियां वुधियां जो कुछ होता वो भी करते, और उन्होंने परमेश्वर की विधियों को तोड़ डाला। दो विचारों में लटक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जीवित और मुर्दा में अंतर नहीं समझ पा रहे थे। मुर्दों में जीवित को ढूंढ रहे थे, मुर्दों में जीवित को ढूंढ रहे थे, मुर्दों के तुल्य ही जीवित को कर दिया था उन्होंने। जो मुर्दे थे उन्हें वो सोचते अच्छा ये ठीक है उनकी विधियां करो, और यहोवा परमेश्वर की। वो समझ नहीं पा रहे थे, बीच में लटके हुए थे, दो विचारों में लटके हुए थे। तो इसका मतलब उनके ऊपर आत्मक संकट भी आया हुआ था। वो आत्मक संकट में भी थे, उनका आत्मक लेवल गिरा हुआ था। शारीरिक संकट में वो थे, खाद्य संकट में वो थे खाने पीने का, आर्थिक संकट में वो थे पैसा नहीं था,
क्योंकि अकाल जो था वो भारी था। लेकिन आत्मिक संकट में भी थे। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं आप में कोई ऐसा ना हो जो दो विचारों में लटका हुआ है, जो मुर्दों में जीवते को ढूंढता है, जो सृष्टि की, जैसे रोमियो 1:25 में लिखा है, जो सृष्टि की उपासना करता है ना कि सृष्टिकर्ता की। बाइबल हमें सिखाती है हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करनी है, ना कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं की। तो वो कंफ्यूज थे, दो विचारों में लटके हुए थे। वो भी करते थे, वो भी करते थे, उनको भी खुश कर लिया। यहोवा 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 परमेश्वर, यहोवा का पूरा नाम तो ले नहीं पाते थे क्योंकि अति पवित्र अपने मुंह से या कहते थे, शॉर्ट में कहते थे, या लिखने में यहोवा लिखा जाता था, बोला नहीं जाता था क्योंकि इतना पवित्र नाम है परमेश्वर का। तो ऐसे हालात बिगड़े हुए थे। एक दिन क्या हुआ, 18 अध्याय तीस वचन, परमेश्वर के दास ने कहा यहां मेरे पास सब इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया, सब लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर के दास ने कहा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, दो विचारों में लटके रहोगे। अगर यहोवा परमेश्वर है, अगर विश्व मसीह उद्धार करता है तो उसकी ओर आ जाओ। अगर वो बाल उस समय का जो था वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है तो उसकी ओर चले जाओ। कब तक दो विचार में लटके रहोगे। तो क्या हुआ, सब लोगों को इकट्ठा किया और पहला राजा 18 अध्याय 30 वचन, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। हाँ, तो एलिय्याह ने कहा सब मेरे पास आ जाओ। राजा भी था वहां पर, सब इज़राइली वहां पर इकट्ठे हो गए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो घिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था तेरा नाम इज़राइल होगा 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सेया बीज समा सके। हाँ, 15 किलो जिसमें आ सके पानी 15 लीटर। तो क्या किया है, वो क्या कर रहा है। परमेश्वर का दास के पास सबको बुला लिया गया। अब लोग देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का दास क्या कर रहा है, लोग देख रहे हैं। उसने उस वेदी को तैयार किया, सब लोग देख रहे हैं भी क्या हो रहा है। उसके बाद उसने उसको तैयार किया, 12 पत्थर छांटकर उसके ऊपर रखे, लोग सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। फिर उसने साथ में एक खड्डा खुदवा दिया जिसमें 15 लीटर, असल में 15 किलो लिखा है, 15 लीटर जो है वो जिसमें अनाज आ सकता था वैसा खड्डा खदवा दिया पानी डालने के लिए। लोग सब देख रहे हैं जैसे आज आप यहां देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उसने लकड़ियां इकट्ठी की और उनके ऊपर चिन्ह रहा है अच्छे से, एक रख दो रख, देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं ये परमेश्वर का नबी आज क्या कर रहा है। और फिर उसने उनके ऊपर बलिदान रख दिया जो वो परमेश्वर को चढ़ा रहा था, उस बलिदान को उसने उसके ऊपर रख दिया। और 38 वचन पढ़िएगा, 38 पहला राजा 18:38 वचन, तभी यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया,
तब स्वर्ग से आग उतराई, आग उतराई। हालेलुया। तब स्वर्ग से आग उतराई, आग उतराई। जब स्वर्ग से आग उतरी, लोग कह उठे कि परमेश्वर मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब स्वर्ग से आग उतरी, सारा संकट खत्म हो गया, संकट खत्म हो गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, आत्मिक संकट खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, आत्मिक संकट खत्म हो गया। सब लोग जान गए, सब लोग पहचान गए कि एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है और वो यहोवा है, बनाया है और वो यहोवा है। एक उद्धार करता है, आकाश के नीचे मनुष्य में बस एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, वो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। तो जो उनका आत्मिक संकट था कि मुर्दों में परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, जो उनका आत्मिक संकट था, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, उनके रीति रिवाज भी सब कर रहे थे, जो उनका आत्मिक संकट था समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उनका आत्मिक संकट था समाप्त हो गया। हालेलुया। जो आत्मिक संकट था, जो उनका आत्मिक संकट था खत्म हो गया। कब? जब स्वर्ग से आग उतरी, आग उतरी। वही आग आज आप पर उतरना चाहती है, आज आप पर उतरना चाहती है, वही आग आज आप पर उतरना चाहती है, आज आप पर उतरना चाहती है। जो आपका आत्मिक लेवल को बढ़ाएंगे, जो आपके आत्मिक लेवल को ऊंचा करेगी, जो आपको आत्मिक तौर पर मजबूत करेगी, जो आपके विश्वास को दृढ़ करेगी, जो आपको ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनाएगी, जो आपको ज्यादा आराधना करने वाला बनाएगी। जब स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी, सब लोग कह उठे, सब लोग कह उठे, यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर, वही जीवत है, वही जीवत। उसने स्वर्ग को बनाया, उसने स्वर्ग को, उसने आकाश को बनाया, उसने आकाश को, उसने सूर्य चंद्रमा तारकों को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य, उसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ। हालेलुया। जब स्वर्ग से आग उतरी, उनके हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, उनके हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, उनके हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, उनके हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, आग उतरी, अकाल खत्म हो गया, अकाल खत्म हो गया, अकाल समाप्त हो गया, अकाल समाप्त हो गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी, भूखमरी समाप्त हो गई, भूखमरी समाप्त हो गई। जब स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी, उनका रोना खत्म हो गया, रोना खत्म हो गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग उतरी, जो भूख के कारण रोगी हो गए थे, वो रोग खत्म हो गए, वो रोग खत्म हो गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, वो रोग खत्म हो गए, वो रोग खत्म हो गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, उनका काम धंधा चलने लग गया, काम धंधा चलने लग गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, फिर वो सब्जियां और फल फ्रूट खाने लग गए, फल फ्रूट खाने लग गए। जब स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग उतरी, उनके घर में खुशहाली आने लग गई, खुशहाली आने। जब स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग उतरी, उनके जीवन बदल गए, उनके जीवन, उनके हालात बदल गए, उनके हालात बदल गए। जो भूख से बच्चे मर रहे थे, उनके अंदर जीवन आ गया, उनके अंदर जीवन आ गया। जब स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी, वो पहले जैसे नहीं रहे, वो पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे हालात नहीं रहे, पहले जैसे हालात नहीं रहे। जो अधमरे पशु थे, वो उठ खड़े हुए, वो उठ खड़े हुए। जब स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग उतरी, जो भूख के कारण मौतें हो रही थी, वो मौतें बंद हो गई, बंद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जो उनके पास पैसा नहीं था, जो उनका काम बंद हो गया था काल के कारण, जो काल के कारण उनके पास राशन पानी नहीं था,
जब स्वर्ग से आग उतरी उनके काम धंधे पर ब्लेसिंग आ गई, उनके चेहरे जो सूख चुके थे हरे हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। जब स्वर्ग से आग उतरी आत्मक संकट समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब स्वर्ग से आग उतरी उनके हालात बदल गए, उनके हालात बदल गए। आज वही आग स्वर्ग से हमारे बीच में उतरना चाहती है। जो वो भूख से मर रहे थे, जो वो रो रहे थे, जो वो चिंता में थे, जो वो परेशानियों में थे, जब स्वर्ग से आग उतरी सब चिंताएं खत्म हो गई, सब चिंताएं खत्म हो गई। वही आग आज आप पर उतरना चाहती है। देखिए उनका आत्मक लेवल कितना बड़ा। आज आपका आत्मक लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। देखिए उनके घर जो सूखे थे, उनकी रसोई जो सूखी थी, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो सोखड़ा था उनको। जब स्वर्ग से आग उतरी हालात बदल गए, हालात बदल गए, हालात बदल गए। जब स्वर्ग से आग उतरी और वो आग आप पर उतरना चाहती है, 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 आग आप पर उतरना चाहती है, वो 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 आग आप पर उतरना चाहती है, आग आप पर उतरना चाहती है, वो आग आप पर उतरना चाहती है, आग आप पर उतरना चाहती है, आग आप पर उतरना चाहती है, आग आप पर उतरना चाहती है। वही आग, वही आग, वही आग आप पर उतरना चाहती है, आप पर उतरना चाहती है। वह आग आप पर उतरना चाहती है। फरा बाला शद बाला बाबा रस्सी दिबिरी निमी फरी बाबा बाबा बाशद बाला लाबा। स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग, स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग जो आपके हालातों को बदलेगी, जो आपके हालातों को बदलेगी, जो आपके हालातों को बदलेगी, वो आपके हालातों को बदलेगी, वो आपके हालातों को बदलेगी। स्वर्ग से आग आप पर आना चाहती है, आप पर आना चाहती है, वही आग आप पर आना चाहती है, वही आग आप पर आना चाहती है। जब स्वर्ग से आग उतरेगी, जब स्वर्ग से आग उतरेगी, पौत्रात्मा की आग उतरेगी, पौत्रात्मा की आग उतरेगी, पौत्रात्मा की आग उतरेगी, पौत्रात्मा की आग उतरेगी। स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, आज वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, आज वही आग आप पर उतरना चाहती है, आज वही आग आप पर उतरना चाहती है। आपके जीवनों को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए, वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है। बाला बाबा हिंदी मेरी रेखी मेरी बिशिदा बाला 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 बाबा हिंदी मेरी रे बिशिदा बाला 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 बाबा। आज वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, आज वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आज आप पर उतरना चाहती है, वही आग आज आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप उतरना चाहती है, आप उतरना चाहती है, ताकि आप पहले जैसे न रहे। देखिए 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा वहां, 3.5 साल तक उनके पास खाने को कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे।
लेकिन जैसे ही उन पर स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जैसे स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जैसे स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। फिर बाला शादा बाला बाबा रास्ता दबाला लाबा, वही आग, वही आग आप पर उतरना चाहती है, आप तैयार हो जाए। जरा देखो उस देश के हालात कैसे बदले, आपके शहर के, आपके गांव के, आपके इलाके के हालात कैसे बदलेंगे। परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे, सूखे को परमेश्वर हरे में बदल देंगे, सब हालातों को बदल देंगे। लेकिन जब स्वर्ग से आग उतरेगी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी वह स्वर्ग से आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है। जो लोग भूख से मर रहे थे, जो लोग रोगी हो चुके थे, बस उनके दुखों में संकटों के बीच में एक ऐसी घटना वापरी और वो थी स्वर्ग से आग का उतरना, स्वर्ग से आग का उतरना। जैसे वो आग उतरी सब हालात बदल गए, सब हालात बदल गए। वह आग आज आप उतरना चाहती है, वह आग आज आप उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है। वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वह पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, आपके हालातों को बदलने के लिए पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, पोतरात्मा की आग आपका आत्मिक लेवल को बदलने के लिए, आत्मिक लेवल को ऊंचा करने के लिए, आपके रोगों को खत्म करने के लिए वो पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वो पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है, वो पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है। जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया, जब स्वर्ग से आग उतरी सब कुछ बदल गया। बरा बाला शद बरा बाबा रसद बरा रबा हिंदी बेरे रे बिशिदा बाला बाला लबा होरे बिशिदा बर नमा। उनके दुख दूर हो गए, उनके संकट खत्म हो गए, उनकी परेशानियां खत्म हो गई। आज आपके सारे संकट, आज आपके सारे दुख और आपके सारे संकट खत्म होते हैं, पवित्र मसीह के नाम से, पवित्र मसीह के नाम से सारे दुख और संकट खत्म होते हैं, पवित्र मसीह के नाम से सारे दुख और संकट खत्म होते हैं। वो आग आप पर उतरना चाहते हैं, वही आग स्वर्ग से आप पर उतरना चाहती है। बुरा बाला शादा बाला बाबा रास्ता हिंदी बिरे रे खिबिरे नी माथा बाबा बाबा शादा बाला राबा हिंदी बिरे रे बिशेदा बाला बाला लाबा रादा बाला लाबा। वही आग स्वर्ग से पोतरात्मा की आग आप पर उतरना चाहती है। बुरा बाला शादा बाला नमा हिंदी बिरे नी मेरे बित गिरे रे बिशेदा बाला बाला लाबा हिंदी बिरे नी माथा बाबा बाबा उनका खाना पीना, उनके पशु, उनकी खेती, उनका काम धंधा सब ब्लेस हो गया, सब ब्लेस हो गया, सब ब्लेस हो गया। जब स्वर्ग से आग उतरी वही बाबा बाबा बाला शदा बाला 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 लाबा वही आग आप पर उतरना चाहती है, वही आग आप पर उतरना चाहती है। पवित्र आत्मा और आग से
तुम बपतिस्मा पाओगे। स्वर्ग से ढेल प्रभु अपनी सामर्थ को ढेल, पवित्रात्म की आग को ढेल, पवित्रात्म की आग को ढेल, पवित्रात्म की आग को ढेल दीजिए, पवित्रात्म की आग को ढेल दीजिए, पवित्रात्म की आग को ढेल दीजिए। वहां पर क्या था? भारी अकाल था, लोग मर रहे थे, पशु मर रहे थे, काम धंधे बंद थे और अकाल के कारण बीमारियां थी, रोगी हो चुके थे, दुखी थे, परेशान थे, हर वक्त उन्हें चिंता खाए रहती थी, हाय अकाल कब खत्म होगा, हाय कब सब्जी को देखेंगे, हरी सब्जी को भी ऐसी होती है फिर से, कब हम लोग फल फ्रूट को खा पाएंगे, कब हालात बदलेंगे। वो रो रहे थे, वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और लोग मर रहे थे। बस एक दिन परमेश्वर के दास ने बुला लिया और जब वो कार्य कर रहा था, तैयारी कर रहा था, लोग देख रहे थे, अरे पास्टर जी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर दास क्या कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ उसने तैयार कर लिया, स्वर्ग से आगोतरी आगोतरी स्वर्ग से आगोतरी और इतना लंबा काल खत्म हो गया। उनके घर में खुशहाली आ गई, उनके घर में सुख समृद्धि आ गई, सब रोग खत्म हो गए जो भूखमरी के कारण थे और लोगों का मन बदला और वो कह उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर, हालेलुया। वही आग आप पर उतर रही है, वही आग आप पर उतर रही है, वही आग आप पर उतर रही है, वही आग आप पर उतर रही है और आपके सारे संकट जो शारीरिक संकट है वो खत्म आज से, जो आर्थिक संकट है आपका वो खत्म आज से, जो आत्मिक संकट है वो खत्म आज से। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। मैं देख रहा था कुछ बॉम्बे से आए हैं, कुछ गुजरात से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, अगर आप दूर दूर से जहां से भी आप आए हैं, इससे परमिशन आपको ब्लेस दे दिया कर दिया है। स्वर्ग से आग उतरी और सब कुछ बदल गया। हे पिता, हे परमेश्वर, इन सब लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। आज स्वर्ग से आग उतर रही है, स्वर्ग से आग उतरी आप पर, स्वर्ग से आग उतर रही आप पर, जहां तक मैं पीछे नहीं पहुंच पाया, स्वर्ग से आग उतर रही आप पर। आज का दिन एक विशेष दिन है, आज से परमेश्वर मसीह आपको आशीष देते रहेंगे, आज से आपके जीवन से अंधकार खत्म हो गया, आज से आपके घर से अंधकार की ताकतें खत्म हो गई हैं, आज से आप ब्लेस होते जाओगे, आज से आप उन्नति करते जाओगे परमेश्वर मसीह के नाम से। जो कुछ भी आप परमेश्वर मसीह के नाम से मांगोगे, परमेश्वर मसीह वो तुम्हारे लिए पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए जान दी है, जान दी है। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग हमें लाइव देखते हैं, जितने लोग हमारे बीच में हैं, ये धन्य हो जाएं, परमेश्वर मसीह के नाम से धन्य हो जाएं। हे परमेश्वर, आपका नूर इनके चेहरे पर चमके, चेहरे पर चमके। हे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें, दूत इनकी रक्षा करें। हे परमेश्वर, आप जो चंगा करने वाले हैं, इन्हें परमेश्वर मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा कर दें, खाने के द्वारा चंगा कर दें। सब दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकतें शैतान की ताकतें खत्म, खत्म। परमेश्वर मसीह आत्मा छुटकारा देते हैं, आत्मा छुटकारा, आपकी धन संपत्ति को ब्लस करते हैं, धन संपत्ति को ब्लस करते हैं। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि आज स्वर्ग से आग उतरी है, आज स्वर्ग से आग उतरी है, आज स्वर्ग से आग उतरी है। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे लिए ऐसा सब कुछ हो जाएगा, वो तो बस देख ही रहे थे कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, लेकिन जब स्वर्ग से आग उतरी, सबके लिए ब्लेसिंग हो गई, सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए आशीष उतराई, सबके लिए आशीष। धन्य हो तुम जब आप घर जाए परमेश्वर मसीह के नाम से, धन्य हो तुम काम के स्थान पर परमेश्वर मसीह के नाम से, धन्य हो तुम, धन्य हो अपने घर पर परमेश्वर मसीह के नाम से, धन्य हो तुम जब घर से बाहर जाते हो परमेश्वर मसीह के नाम से, धन्य हो तुम जब घर के भीतर आते हो, धन्य हो तुम्हारी संतान, धन्य हो तुम्हारे पशु, धन्य हो तुम्हारी खेती, धन्य हो तुम्हारी रसोई, धन्य हो तुम्हारे कपड़ों के अलमारी, धन्य हो तुम्हारे बैंक और
आप आत्मकुंती करते जाएं, विश्व मसीह के नाम से आप आत्मकुंती करते जाएं, और जो कुछ आप चाहते हो जो आपके लाभ के लिए है विश्व मसीह के नाम से पूरा होता है, विश्व मसीह के नाम से वो सब पूरा होता है, विश्व मसीह के नाम से वो पूरा होता है, विश्व मसीह के नाम से वो पूरा होता है, विश्व मसीह के नाम से वो पूरा होता है। आज आपका स्वर्ग से आग उतरी है, आज आपका स्वर्ग से आग उतरी है, आज आपका स्वर्ग से आग उतरी है, आज आपका स्वर्ग से आग उतरी है। सब संकट समाप्त, सब संकट खत्म, हालेलुया, स्वर खुल गया आपके लिए, पर विश्व मसीह के नाम से आज स्वर खुल गया आपके लिए, 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 ओ हालेलुया, विश्व मसीह आपको आशीष दे। सब लोग कहें आमीन।